अभी आपने जो वीडियो से पहले इंट्रो देखा है अपनी स्क्रीन पे, इस तरह का इंट्रो बनाने के लिए आपने सिंपली काइनमास्टर ऐप को ओपन करना है। काइनमास्टर ऐप को ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे मीडिया पे जाना है। मीडिया पे जाने के बाद आपको इमेज एडिट पे जाना है और यहाँ से आपको वाइट बैकग्राउंड सेलेक्ट करना है। वाइट बैकग्राउंड सेलेक्ट करने के बाद आपका जो आपने जो इसका साइज़ जो है तकरीबन 11 कर देना है। दोबारा रख लेते हम। इसके बाद आपको बैक आना है और बैक आने के बाद आपको लेयर पे जाना है। लेयर पे जाने के बाद आपको जो है अपनी चैनल का जो है लोगो यहाँ पे एंटर कर देना है। लोगो एंटर करने के बाद आपको इसको थोड़ा सा बड़ा कर देना है और इसको सेंटर कर देना है। सेंटर करने के बाद आपको जो है इसका साइज़ भी है इसके बराबर कर देना है। इसके बाद आपको जो है फिर से लेयर के ऑप्शन पर जाना होगा। लेयर के ऑप्शन पर जाने के बाद आपको इमेज एडिट पर जाना है और यहाँ से आपको फिर से वाइट ये सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद आपको जो है क्रॉपिंग के ऑप्शन पे जाना है। क्रॉपिंग के ऑप्शन पे जाने के बाद आपको जो है मास्क के ऑप्शन पे जाना है और यहाँ से आपको शेप ये वाली सिलेक्ट कर लेनी है। इसका साइज जो है थोड़ा सा बड़ा करके इस तरह से रोटेट कर देना है। ठीक है, रोटेट करने के बाद आपको जो है क्रॉपिंग के ऑप्शन पे जाना है फिर से और इसका जो है ये आपको तकरीबन फैदर आपको 25 रख देना है तकरीबन। ठीक है, आपको इसको थोड़ा सा जूम कर देना है ताकि ये जो है नीचे वाला लोगो ये गायब हो जाए। ठीक है, उतना जूम आपको इसको कर लेना है। जूम करने के बाद आपको जो है सिंपली बैक आना है। इस तरह से बैक आने के बाद आपको इस पर क्लिक करके यहाँ पर जो की का ऑप्शन दिख रहा है इस पर क्लिक करना है और इसको जो है थोड़ा ड्रैग करना है आगे तरफ और इसको भी थोड़ा थोड़ा ऊपर कर लेना है। ठीक है, इस तरह से आपको थोड़ा और कर लेना और इसको भी थोड़ा ऊपर की तरफ ड्रैग कर लेना है। इस तरह से करके इसको ऊपर की तरफ ड्रैग करना है। इस तरह से करके जब तक ये पूरा वाइप हो जाए, धीरे धीरे करना है, ज़्यादा एक साथ नहीं लेके जाना है। ठीक है, इस तरह से करने के बाद आपको यहाँ पे एक बार मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ ऐसा बना है। ज़्यादा स्लो हो रहा है तो हम इसका साइज जो है थोड़ा सा कम कर लेते हैं ताकि थोड़ा फास्ट हो जाए। ये हो गया। उसके बाद जो है आपको यहाँ पे लेके आना, जहाँ पे ये वाला ख़त्म होता है से थोड़ा सा आगे लेके आना है। उसके बाद जो है आपको लेयर के ऑप्शन पे फिर से क्लिक करना है और इस पर मीडिया पे जाके इमेज पे जाके और आपको यहाँ से फिर से वाइट जो है सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको क्रॉपिंग के ऑप्शन में जाना है, यहाँ से मास्क को इनेबल कर देना है, शेप आप फिर से ये वाले रखेंगे। ठीक है, और फेदरनेस आप रखेंगे तकरीबन 34 कर देंगे आप तकरीबन उसको और इसका साइज़ जो है वो आप थोड़ा छोटा कर लेंगे इस तरह से। ठीक है, इस तरह करने के बाद आपको जो है इसको ड्रैग करना है नीचे की तरफ और नीचे लेके आना है इस तरह से। उसके बाद आप इस पर टैप करके फिर से की वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और इसको थोड़ा सा आगे लेके आएंगे और इसको थोड़ा ऊपर ड्रैग करेंगे। ठीक है, इसी तरह से आप करते जाएंगे थोड़ा आगे और इसको भी थोड़ा थोड़ा ऊपर लेके आएंगे। ठीक है, फिर बाहर लेके आएंगे। बाहर लेके आने के बाद आप इसको थोड़ा इस तरह से रोटेट कर देंगे। रोटेट करने के बाद आप इसको थोड़ा ड्रैग करके इसको भी थोड़ा लेके आएंगे इस तरफ से, थोड़ा और ड्रैग आगे करके इस तरह से लेके आएंगे। नीचे भी ड्रैग करना है, आगे आगे लेके जाना है और ऊपर से भी ड्रैग करते जाना है। इस तरह से करेंगे आप और इसको आप पूरा वाइप कर देंगे इस तरह से। ठीक है, तो ये एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ कि हमारा लोगो किस तरह से बना है। तो ये हमारा इफेक्ट बन चुका है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको इसको सिंपली पहले सेव कर लेना है अपनी गैलरी में।
सेव करने के बाद आप फिर से काइनमास्टर ऐप को ओपन करेंगे। काइनमास्टर ऐप को ओपन करने के बाद आप यहाँ मीडिया पे जाएंगे। मीडिया पे जाने के बाद आपको यहाँ पे एक वीडियो इंट्रो जो है वो आपको यहाँ पे ऐड करना होगा, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा वीडियो के, वहाँ से जाके आप इसको डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। वो वाला जो है आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है। तो जिस तरह से हमने यहाँ पे अपलोड कर दिया है, तो अपलोड करने के बाद आपको जो है इसको थोड़ा सा आगे लेके जाना है। यहाँ पे आपको इसको स्टॉप कर देना है। स्टॉप करने के बाद लेयर पे जाना है, लेयर मीडिया पे जाना है, और अभी जो आपने काइनमास्टर से आपने लोगों का जो इफेक्ट आपने सेव किया था वो आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है। अपलोड करने के बाद आपको यहाँ पे जाना है, ब्लेंडिंग में जाएंगे आप। ब्लेंडिंग में जाने के बाद मल्टीप्लाई पे क्लिक करेंगे आप, और उसके बाद आप बैक आएंगे। एक बार हम इसको प्ले करके देख लेते हैं। ये हमारा लोगो कुछ इस तरह से बनने वाला, ठीक है। तो उसके बाद आप क्या करेंगे, आप इसको जो है यहाँ पे रोक लेंगे, ठीक है। यहाँ पे रोकने के बाद फिर से लेयर पे जाएंगे, टेक्स्ट पे जाएंगे, और अपनी चैनल का नाम यहाँ पे एंटर करेंगे, ठीक है। चैनल का नाम एंटर करने के बाद जैसे इसका जो है कलर जो है वाइट है, इसलिए ये नहीं दिख रहा है, तो हम इसका कलर जो है चेंज करके ब्लैक कर लेते हैं। और फिर फॉन्ट रखना है, फॉन्ट रखेंगे हम इसमें नोटो सिर्फ ब्लॉक बोल्ड, ये वाला हम इसमें चूज कर लेंगे। और आपको इसको सिंपली ड्रैग करके अपने लोगो के नीचे लेके आना है इस तरह से, और इसमें इन एनिमेशन जो आपको देना है वो आप देंगे इसमें लेटर बाय लेटर। उसके बाद आप बैक आएंगे, बैक आने के बाद हम इसको एक बार प्ले करके देख लेते हैं। तो जैसा आपने देखा कि नाम जो है पहले ही वाइप हो रहा है, तो हम इसको यहाँ तक लेके आते हैं। यहाँ तक लेके आने के बाद आपको जो है इन एनिमेशन पे फिर से जाना है, और आपको इसका 2 पॉइंट कर देना है, ठीक है। तो अभी हम इसको प्ले करके देख लेते हैं। तो ये हमारा जो है इंट्रो जो है वो कंप्लीट हो चुका है, और उसके बाद जो है आपको इसको सेव कर लेना है अपनी गैलरी में। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।